हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें पसंद हैं। पहला, वो रो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। दूसरा, वो मिट्टी से खेलते हैं यानी गुरूर को खाक में मिला देते हैं। तीसरा, झगड़ते हैं फिर सुलह कर लेते हैं। चौथा, मिलजुल कर खाते और खिलाते हैं, ज्यादा जमा करने की हिर्स नहीं करते हैं। पांचवा, मिट्टी से घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये दुनिया फानी है। नबी ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर कयामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। रात के वक्त वुजू करना। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को वुजू करके सोता है तो एक फरिश्ता उसके पास रात गुजारता है। जब वो शख्स उठता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फलां बंदे की मगफिरत फरमा, क्योंकि वो वुजू करके सोया है। आबाद रहे वो शख्स जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पर किया करो। जब तुम अंधेरी कब्रों में तन्हा होगे तो यह उंगलियां तुम्हारी कब्रों को रोशन करेगी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुंचाए।